जय जवाहर संगवारी हो। तो आज हम लोग जा रहे हैं मनकुद्वीप देखने के लिए। हम लोग जो है दोस्तों मेले के बाद में जा रहे हैं और मनकुद्वीप जो है दोस्तों राजधानी रायपुर से 80 किलोमीटर की दूरी पर है और अपना जो जिला मुख्यालय है ना वहाँ से जो मुंगेली है वहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है दोस्तों। हम लोग जो है दोस्तों बोटिंग वाली जगह पर आ गए हैं, नीचे की तरफ मैं जाऊंगा अभी देखने के लिए थोड़ा। चलो और हम लोग चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ जो है मंदिर वंदिर है उसे देखने के लिए, जो पर्यटन स्थल बना हुआ है ना उसे देखने के लिए। देख सकते हो दोस्तों ये गेट है मनकुद्वीप का और हम लोग जा रहे हैं अंदर की तरफ और यहाँ पर जस्ट बगल में ही मंदिर है दोस्तों, राइट साइड में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर। और आगे बढ़ते हैं वहाँ पर जाएंगे जो बड़ा मंदिर दिख रहा था ना वहाँ पर। और यहाँ पर इस साइड है दोस्तों जो है लेफ्ट साइड में पूरा बैठने वाले बनाए हैं दोस्तों वहाँ पर। और देख सकते हो भाई लोग ये है अपना राम लक्ष्मण जानकी वाला मंदिर जो है ना वो है राइट साइड। बढ़ते हैं दोस्तों आगे की तरफ और ये आ गए हैं अपन दूसरा मंदिर जो है शिव मंदिर है उसके पास। हम लोग आ चुके हैं दोस्तों मांडू के ऋषि के पास और इसी के नाम की वजह से दोस्तों मनकुद्वीप का नाम पड़ा है मनकुद्वीप। इसने दोस्तों उपनिषद लिखा हुआ है मांडू के ऋषि ने, तो इसी की वजह से जो है मनकुद्वीप का नाम पड़ा है। देख सकते हो दोस्तों इसका मूर्ति है। हम लोग जो है दोस्तों बजरंगबली के मंदिर के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं बजरंगबली का मंदिर मूर्ति। यह है दोस्तों बजरंगबली का मूर्ति। और इसके बगल में जस्ट यह दोस्तों महादेव जी का मूर्ति है। हम लोग जो है दोस्तों राधा कृष्ण के मंदिर के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं राधा कृष्ण भगवान के दर्शन कर लेते हैं यहाँ से। और देख सकते हो दोस्तों यह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, राधा कृष्ण जी का मूर्ति बना हुआ है यहाँ पर। और ये है दोस्तों मेढक उडक बनाए हैं मंडूक ऋषि की जो छावनी बनाए ना उसमें। ये जो मूर्ति देख रहे हो दोस्तों ये श्री धूमनाथ जी का मूर्ति है, देख सकते हो बहुत ही प्राचीन मूर्ति है दोस्तों। और ये संतोषी माता का मंदिर और हम लोग आ गए संतोषी माता के पास और इधर बगल में बैठे हैं माँ भवानी। हम लोग जो है दोस्तों आ चुके हैं अंदर अष्टभुज गणेश मंदिर के अंदर और देख सकते हो भाई अंदर का नजारा। और ये है अपना प्राचीन मंदिर जलेश्वर महादेव। नमः
देख सकते हो भाई अपना महादेव जी का शिवलिंग। इसमें है दोस्तों कछुआ है, देख सकते हो कोने में, और बीच में है मछली, और मछली छोटा छोटा है कुछ। लोग इधर आ चुके हैं दोस्तों, जो है खुदाई में निकले हुए है ना, जो मंदिर उसको देखने के लिए। देख सकते हैं यहाँ पर खुदाई में निकला हुआ है, जो खुदाई किए थे उसने। और यहाँ पर जो है दोस्तों घूमने के लिए और बैठने के लिए बनाया हुआ है, जैसे आप धूप से आ रहे हो तो यह देख सकते हो दोस्तों, बैठने का स्थान बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है दोस्तों यहाँ पर। और आप सभी को देख सकते हो दोस्तों, यहाँ लेके आ चुका हूँ ईसाई जो मंदिर का मतलब मेला होता है ना, ईसाई के यहाँ सबसे बड़ा मेला होता है दोस्तों, तो ईसाइयों का है जो बना हुआ है ये सामने में। तो हम लोग जो है दोस्तों इधर से जा रहे हैं, जो अपना मधुकुदीप गांव पड़ता है ना इधर से, और हम लोग आए थे उधर कोटमी जो है गांव है, कोटमी कड़ार वड़ार सिंगारपुर वाले रास्ते हैं ना, उधर से उस साइड से आए थे। दोनों तरफ जो है दोस्तों डैम बना दिया है इधर से उधर जाने के लिए, तभी रोड तो बहुत ही अच्छा बना दिया है यहाँ पर दोस्तों। धन में ही बना खा वो घर में बाद में घर ले रही वो साला ज्यादा गैस तो हवा, इसे भी कोई नहीं है हमारे घर।